डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स बेसिकली अगर देखा जाए तो वो सिद्धांत हैं जिनका पालन करते हुए जो मैनेजर्स हैं वो अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं। बेसिकली ये फंडामेंटल ट्रूथ्स या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं कि किसी कार्य को करने से इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये रोड मैप हो सकते हैं, कोई गाइडलाइंस हो सकती हैं जिन पर चलते हुए जो मैनेजर है वो अपने काम को और भी अधिक सिस्टमेटिक और सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इनकी मदद से जो भविष्य में कोई परेशानियां आ सकती हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। सिद्धांत है ये। अब हम जानते हैं, एग्जांपल अगर हम लें कि किसी चीज़ को अगर फेंका जाए तो वो नीचे गिरेगी, तो जिस चीज़ को नहीं तोड़ना है उसको ऊपर से फेंका भी ना जाए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है उसका, तो वो नीचे जाके टूटेगी। अब जिस चीज़ को नहीं तोड़ना है उसको फेंका भी ना जाए। ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है कुछ प्रिंसिपल की। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके भी अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं। और जो पहले के जो रिनोन स्कॉलर्स और ऑथर्स हुए हैं उन्होंने अपने हिसाब से कुछ सिद्धांतों को बनाया है और उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनका पालन होना चाहिए, लेकिन यदि पालन किया जाएगा तो जो प्रबंध का कार्य है वो और भी अधिक सुचारू रूप से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेयोल की। फेयोल को आपने पढ़ा हुआ है और फेयोल ने 14 ऐसे पॉइंट्स दिए जिनके आधार पर, तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये फेयोल ने दिए थे और ऐसा माना जाता है कि ये आधारभूत सिद्धांत हैं जिनके ऊपर चलते हुए कोई भी प्रबंधक अपने कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सकता है। सबसे पहले बात की जाए तो बात आती है डिवीज़न ऑफ वर्क की, कि जो भी कार्य है उसको बांट दिया जाए। कार्य बांटने से प्रक्रिया थोड़ा हल्का रूप लेती है और कार्य को बांटने से कम समय में अच्छे परिणाम सामने आते हैं। ऑथोरिटी जो है वो होनी चाहिए ताकि उस कार्य का जो सुपरविजन है वो सही से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है उसका पता चल सके। डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासनहीनता हमेशा कार्य को ख़राब करती है। अनुशासन होना चाहिए, उस संस्था में भी होना चाहिए और जो क्रिया की जा रही है उसमें भी होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि जो एक रूपता है कमांड में, जो आदेशों की एक रूपता है वो होनी चाहिए कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एक बार में एक ही कार्य कर सकता है तो उसको एक बार में एक ही कार्य बताना चाहिए। यदि उसको एक बार में अधिक कार्य बताए जाएंगे तो कंफ्यूज भी हो जाएगा और एक भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वो उद्देश्यों की तरफ होनी चाहिए और उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर जो है वो उसकी स्केलर जो चैन है, जो हायरार्की है, उससे मैच खाना चाहिए। फेयोल यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन पर जोर देते हैं कि चीज़ें सेंट्रलाइज होनी चाहिए। तो अभी तो हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें कि केंद्रीकरण से ये पता रहता है कि कार्य क्या चल रहा है, क्या स्तर उसका चल रहा है और वो कब पूरा होगा। सेंट्रलाइजेशन का ये फ़ायदा है। और जो रेमुनरेशन है उसमें भी एक रूपता होनी चाहिए, उसमें कहीं
डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कि आप काम 10 घंटे का ले रहे हैं, पेमेंट 8 घंटे का कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। सिमिलर इंटरेस्ट होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के, ताकि वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए। संस्था के उद्देश्य जो हैं वो सभी को पता भी होने चाहिए, संस्था को क्या कार्य करने हैं और उनका जो टाइम स्पान है वो क्या है, उद्देश्य में भी एक रूपता होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंसेस बीच में नहीं होने चाहिए, स्टेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, उनको हमेशा डर ना लगे कि उनकी जॉब रहेगी अथवा नहीं रहेगी। इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, जो प्रबंधक है उसको तो इनिशिएटिव लेना ही चाहिए। और एस्पिरेट डी कॉर्प्स एक संगठन के रूप में उनको कार्य करना है, संस्था उनका संगठन है, संस्था का एक भी अवयव यदि ढंग से कार्य नहीं करेगा तो संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि जो फेओल के 14 प्रिंसिपल्स हैं वो संस्था को किस प्रकार चलाया जा सकता है उसका एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उस रोड मैप को फॉलो करते हुए हम पिटफॉल्स को, जो हर्डल्स जो भविष्य में आ सकते हैं, उनको दूर किया जा सकता है।